के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन पेंट वैसे तो पेंट में डिफेक्ट 30-40 प्रकार ये शायद उससे भी ज्यादा होते हैं लेकिन हमें पेंट में पीएचडी नहीं करना है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर अभी तक आपने सिविल इंजीनियरिंग टेक के फेसबुक पेज को लाइक like नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि वहां भी मैं बहुत से अपडेट देता रहता हूँ और दोस्तों इसके साथ ही कूल cool, सिविल नाम से एक हमारा नया यूट्यूब चैनल आ गया है इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कम टाइम की वजह से कई बार मैं विजुअल इफेक्ट्स के साथ वीडियोस नहीं बना पाता हूं। तो इस चैनल पे मैं नॉर्मली भी आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा डिफेक्ट्स इन पेंट के इस वीडियो में हम

स्वेलिंग ऑफ पेंट फिल्म ब्रैकेट में लिखा हुआ है फफोले पड़ना क्या कभी आपका हाथ जला है मेरा तो बहुत बार जला है हाथ जलने के बाद आपने कभी ध्यान दिया होगा तो वहां पर एक बबल सा बन जाता है ठीक है और यही बबल अगर आप जब पेंट करते हैं पेंट करने के बाद अगर ये बबल आपके सरफेस पर दिखाई दे तो उस डिफेक्ट को पेंट के लिए बोलते हैं हम ब्लिस्टरिंग या फिर पीलिंग और ये होता क्यों है स्वेलिंग इज बिकॉज ऑफ ऑयल ग्रीस और मॉइस्चर ऑन सरफेस। अगर पेंट करते समय आपके सर्फेस पर या तो मॉइस्चर हो ऑयल या फिर ग्रीस अगर लगा हुआ है तो वहां पर ब्लिस्टिंग या पीलिंग आने की संभावना बढ़ जाती है आई होप समझ में तो आ ही गया होगा अब चलिए जानते हैं ब्लिस्टरिंग और पीलिंग में क्या डिफरेंस है? है वो मॉइस्चर की वजह से आई है तो उसे बोलेंगे पीलिंग और अगर आपकी स्वेलिंग ऑयल या ग्रीस की वजह से आई है तो उसे बोलेंगे हम ब्लिस्टरिंग बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है और हाँ ये जो बबल होता है ना ये एयर बबल होता है यानी अगर आप इसे हल्का सा हाथ लगाइए तो ये पटाख से फूट जाएगा और पेंट निकल जाएगा ये डिफेक्ट आपके पेंट में ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं यूज पोरस पेंट लाइक इमल्सन पेंट मॉइस्चर टू पास थ्रू इसका मतलब यह है कि ब्लिस्टिंग और पीलिंग से बचने के लिए हम ऐसा पेंट यूज करेंगे जिसमें बहुत माइनर बहुत ही छोटे छोटे से क्या हो वाइड हो छिद्र हो जिसके थ्रू क्या है आपका मॉइस्चर पास हो जाए और वहां पर बबल ना बने तो बस ब्लिस्टिंग और पीलिंग में सिर्फ इतना ही था क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं सारे एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट है फेडिंग आपने नॉर्मली लोगों को कहते सुना होगा दीवार पे मस्त महंगे वाला पेंट कराया था लेकिन यार दो साल में ही फेड हो गया दो साल में ही उसका रंग उड़ गया जी हाँ ये वही फेड है मतलब कि ऑफ द पेंट सरफेस यानी रंग उड़ना इमेज में आप देख के समझ सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जिस कलर से पेंटिंग होती है कुछ सालों बाद वो कलर धीरे धीरे उड़ने लगता है फेड होने लगता है यानी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अपने दीवार पर ब्लैक कलर का पेंट किया हो तो आने वाले कुछ सालों में आपको जेब्रा वाली फीलिंग आए दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू एटमोस्फियरिक इफेक्ट खराब मौसम की वजह से आपके पेंट में यह डिफेक्ट आता है इससे बचने के लिए क्या करेंगे यूज रेजिस्टेंस पिगमेंट इन पेंट पेंट में कुछ ऐसे पिगमेंट्स यूज करेंगे जो वेदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें तो घरों में जब भी पेंट करवाना होगा इन सब बातों का ध्यान रखना क्योंकि बाद में अगर फेडिंग की प्रॉब्लम आई तो मत बोलना हायर में लुट गया नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका Checking. कभी आपने फील किया होगा कि जिस दीवार पर पेंट हुआ है अगर आप उस पर हाथ लगाएं तो आपके हाथ में वो पेंट पाउडर के फॉर्म में लग जाता है उसे ही बोलते हैं चॉकिंग। फॉर्मेशन ऑफ पाउडर ऑन द पेंट सरफेस इज कॉल्ड चॉकिंग बहुत पहले टीवी पर एक एड आता था यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा इसमें बैकग्राउंड से एक आवाज आती है यू मास्टर जी Q. लग गया ना चूना आपके उस एड में आपके डिफेक्ट चाकिंग को ही दिखाया जाता है वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा तो जाके सर्च करना क्यू मास्टर जी लग गया ना चूना आपको वो दिखाई देगा यूट्यूब पर पाउडर फॉर्म ऑन द सर्फेस ड्यू टू इन ऑयल इन प्राइमर अगर आपके प्राइमर में ऑयल कम है ठीक है इनसफिस है तो आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी इससे बचने के लिए आपको अपने प्राइमर में सफिशियंट ऑयल मिलाना पड़ेगा फोर्थ डिफेक्ट है आपका ग्राइंडिंग इम्परफेक्ट ओपेसिटी ऑफ द पेंट फिल्म बैकग्राउंड एंड द डिफेक्ट कैन डायरेक्टली विजिबल इस डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो पेंट है वो हल्का सा पारदर्शी हो जाता है मतलब अगर आपके पेंट में या आपके प्लास्टर में कोई डिफेक्ट है कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके पेंट में भी दिखने लगता है ठीक है पेंट के थ्रू आपका दिखने लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या डिफेक्ट्स है तो वो थोड़ा ऑड लगता है देखने में जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं आप जो पेंट हुआ है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो आपके ईंटे लगी हुई हैं जो आपकी ब्रिक्स लगी हुई हैं उनके कोर्स भी दिखाई दे रहा है तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ग्राइंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका पेंट फिल्म थोड़ा हल्का हो जाता है और बैकग्राउंड भी दिखने लग जाता है और इससे बचने के लिए द पेंट फिल्म शुड बी ओपेक इनफ मतलब आपका पेंट इतना अपारदर्शी होना चाहिए कि आपकी कमियां आपकी खामियां या आपके डिफेक्ट्स जो कि इस वॉल पर हो वो ना दिखे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोकोडाइलिंग क्रैकिंग चेकिंग क्रेजिंग इन सब को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन सब में एक रिलेशन है अगर आपने एक साथ पढ़ा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोकोडाइलिंग की क्रोकोडाइलिंग क्या होता है लार्ज क्रैक्स ऑन अ लार्ज एरिया अगर आपके पेंट सर्फेस के लार्ज एरिया पर बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं लार्ज क्रैक्स आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइलिंग इसके बाद है क्रैकिंग क्रैक्स एक्सटेंडिंग टू द ऑरिजिनल सर्फेस अगर आपका जो क्रैक है वो पेंट पर तो है ही लेकिन वो ओरिजिनल सर्फेस यानी प्लास्टर में भी वो क्रैक पहुंच गया है तो उसे हम बोलेंगे क्रैकिंग इसके बाद है आपका चेकिंग क्रैक्स आर लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया अगर स्मॉल एरिया पर आपके क्रैक्स आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम चेकिंग इसके बाद है क्रेजिंग क्रेजिंग क्या होता है हेयर क्रैक्स ऑन द स्मॉल एरिया छोटे एरिया में हेयर क्रैक्स यानी बहुत ही बारीक क्रैक्स जो आते हैं उसे बोलते हैं हम क्रेजिंग एक्चुअली में ये क्रैक तो आपको दूर से दिखाई भी नहीं देगा ठीक है जब आप टकटकी बांध के आप बिल्कुल नजदीक से जाके देखेंगे तब आपको नजर आएगा कि बहुत ही हेयर क्रैक्स बिल्कुल बालों की तरह ही क्रैक्स है वो भी छोटे एरिया में कुल मिला के बात इतनी है चाहे वो क्रोकोडाइलिंग हो क्रैकिंग हो चैकिंग हो क्रेजिंग हो ये सब रिलेटेड है क्रैक से अब क्रैक कितना आ रहा है छोटा है बड़ा है लार्ज एरिया पर है कि छोटे एरिया पर है इन्हीं के हिसाब से हम इसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं बाकी आप इन डिफेक्ट्स के बस नाम याद रखिए बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है अब यही आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है आपको यह बताना है कि पेंट का एक डिफेक्ट है जिसे एलिगेटरिंग बोलते हैं वो क्या होता है ठीक है तो कमेंट करके बताइए कि पेंट में एलिगेटरिंग क्या होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैकिंग की द डीअटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम सर्फेस आपके पेंट सर्फेस से जब पेंट की फिल्म जो है वो हटने लगती है डीअटैचमेंट होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं फ्लैकिंग इमेज में आप देख सकते हैं इस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्लैकिंग यानी कि आपके पेंट की जो फिल्म है जो पपड़ी है उसकी सोन पपड़ी बन जाती है जगह जगह क्रैक्स आके वो पार्ट धीरे धीरे आपके दीवार से हटने लग जाता है गिरने लग जाता है तो इसे ही बोलते हैं फ्लैकिंग मॉइस्चर पेनेट्रेट्स एंड अ बॉन्ड बिटवीन द सर्फेस एंड द पेंट फिल्म इज लॉस्ट एक्चुअली में होता क्यों है कि आपके सर्फेस से एटमोस्फियर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है पेंट और उससे क्या होता है कि आपका पेंट और जो सर्फेस उनके बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे लॉस हो जाता है खत्म होता है और जाहिर सी बात है जब बॉन्ड ही नहीं रहेगा तो चिपका नहीं रहेगा धीरे धीरे वो हटेगा और बस पपड़ी की सोन पपड़ी बनेगी इससे बचने के लिए यूज प्लास्टिक इमल्सन पेंट आप प्लास्टिक इमल्सन पेंट यूज करेंगे तो आप फ्लैकिंग से बच सकते हैं इसके बाद बात करेंगे हम रिंकलिंग और इसे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे झुर्रिया पड़ना कभी आपने किसी के चेहरे पे ऐसे लेयर्स देखा है इसे ही बोलते हैं झुर्रिया यानी कि रिंकल्स तो यही डिफेक्ट सेम पेंट के साथ भी होता है द पेंट फिल्म ड्यू टू ड्राइंग इन द कोर्स ऑफ टाइम ठीक है जैसे जैसे पेंट सूखता है वैसे वैसे क्या होता है ड्राई होने की वजह से हो जाता है, जाता है है सिकुड़ तो उसी वजह से ये रिंकलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है पेंट आपकी क्या हो रही है सिकुड़ गई है अभी आप शीशा उठाइए और अपना चेहरा देखिए क्या आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं अगर रिंकल्स हैं तो इसका मतलब आपकी बढ़ोतरी शुरू हो गई और ये होता क्यों है वेन पेंट फिल्म इज अ क्वाइट थिक और ऑयल इन द पेंट मोड मतलब कि या तो आपका पेंट बहुत ज्यादा गाढ़ा हो यानी कि आपने थिनर बहुत कम यूज किया है तो इसी वजह से क्या है गाढ़ा है और ये आपके रिंकलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है सेकंड है कि अगर आपके पेंट में ऑयल बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी आपके रिंकलिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी तो अगर आप इन दोनों बात का ध्यान रखेंगे तो आपके पेंट पर रिंकलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे ही आप अपने चेहरे का भी ध्यान रखिए अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए वरना जवानी खत्म होने से पहले ही बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है Bloom. डल पैचेस ऑन द फिनिश्ड सर्फेस आपका जो फिनिश सर्फेस होता है उस पर डल पैचेस क्या होता है ना थोड़ा कलर फेड होके धब्बे से पड़ जाते हैं तो वही होता है आपका ब्लूम डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ पेंट और पुअर वेंटिलेशन अगर आपका पेंट अच्छा नहीं है पुअर क्वालिटी है और पुअर वेंटिलेशन है मतलब वहां पर हवा का आवागमन ठीक से नहीं है तो इसी वजह से यहां पर ब्लूम की प्रॉब्लम आ सकती है वैसे तो पेंट की वर्किंग से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियो स्वीट सिविल साइट अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है अगर आपको देखना होगा तो जाकर देख सकते हैं बाकी ब्लूम तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपका नेक्स्ट डिफेक्ट है पोपिंग फॉर्मेशन ऑफ पिन होल्स इन द सर्फेस ऑफ द कोटिंग आपने कभी कभी सर्फेस पर देखा होगा कि पेंट करने के बाद छोटे छोटे ना बबल से बन जाते हैं, होल से बन बन जाते जाते हैं 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 तो उसी को ही बोलते हैं आपको अगर आपने कभी मून की फोटो देखी होगी चंद्रमा की तो आपने उसके उसके देखा होगा सर्फेस पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे से गड्ढे से हैं जो कि बिल्कुल पोपिंग की तरह दिखाई देते हैं ठीक है तो याद रखिएगा पोपिंग क्या होता है छोटे छोटे से होल्स होते हैं पिन होल्स होते हैं आपके सर्फेस पर और ये होता क्यों है इसका रीजन क्या है इम्बेलेंस ऑफ द मतलब जो आपका सॉल्वेंट है या थिनर है अगर वो ठीक तरीके से नहीं जितना चाहिए आपके पेंट में उतना नहीं है उससे कम या ज्यादा है तो पॉपिंग की प्रॉब्लम आपके आ सकती है नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्टेनिंग सैगिंग और रनिंग की तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों है तो एक ही बस माइनर सा डिफरेंस है सबसे पहले इन तीनों की एक कॉमन डिफिनेशन देखते हैं वेन ए सरफेस इज टू बी पेंटेड विद ए लेयर ऑफ पेंट द पेंट फिल्म मे बी रन डाउनवर्ड इसमें होता क्या है जब एक लेयर के बाद हम दूसरी लेयर पेंट करते हैं तो दूसरी जो लेयर रहती है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर सरकने लगती है जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ठीक है ये तीनों इमेज में क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर का पेंट जो है वो सरक रहा है ठीक है तीनों आपको लग रहा होगा एक लेकिन ये एक नहीं है माइनर सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है सबसे पहले हम जानेंगे करटेनिंग करटेनिंग क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ सैगिंग जो सैगिंग होता है यानी वो जो पेंट सरकता है अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे धारी धारी सी बन जाए तो यानी कि उसे क्या बोलेंगे हम कर्टेनिंग जैसा कि आपको थर्ड इमेज में दिखाई दे रहा हो ठीक है ये है आपका कर्टेनिंग इसके बाद बात करेंगे हम सैगिंग की तो सैगिंग क्या होता है थिक पेंट फिल्म मे रन डाउन आपका थिक पेंट याद रखना ये वर्ड थिक मतलब गाढ़ा ठीक है जब आपका जो लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड करे तो थोड़ा सा गाढ़ापन हो यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ हो जैसा कि इमेज सेकंड में दिखाई दे रहा है ठीक है यहां पर क्या है कि आपका जो सरका हुआ है बहुत ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता तो क्या हो जाता आपका कर्टेनिंग लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है यहां लेकिन थिक है ठीक है थोड़ा मोटा है तो इसी वजह से इसे बोलेंगे हम सैगिंग अब हम बात करेंगे अगर रनिंग की थिन पेंट फिल्म मे रन डाउनवर्ड यहाँ पर क्या है जो पेंट की फिल्म जो स्लाइड कर रही है वो काफी थिन काफी पतली है जैसा कि आपको फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है तो आई होप आपको मतलब समझ में आ रहा होगा फर्स्ट इमेज में आपका है रनिंग यानी पतला फिल्म है सेकेंड की बात करें तो इसमें है मोटा फिल्म यानी कि सैगिंग और थर्ड की बात करें तो इसकी जो लेयर्स है वो काफी दूर तक गई है जैसे पर्दे की तरह आपके घरों में जो पर्दे लगे होते हैं ठीक उसी तरीके से आपका कर्टेनिंग की ये प्रॉब्लम आती है ठीक है ऐसा लगता है जैसे कोई पर्दा है तो दोस्तों आई होप अब आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कर्टेनिंग सैगिंग और रनिंग में क्या डिफरेंस है दोनों एक है कि अलग है या जो भी है अब आपका सब क्लियर हो गया होगा और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन था और अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो अभी लाइक ठोको अब आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है क्वेश्चन है द डी अटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सर्फेस इज नोन एज ठीक है जब आपका पेंट फिल्म आपके सर्फेस से निकलने लग जाता है तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट कीजिए तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में पंद्रह से ज्यादा ऐसे पेंट के डिफेक्ट्स को जाना है जिससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैं इसके बाद एक आपको एमसीक्यू सेट पेपर कराऊंगा जिसमें दस पंद्रह क्वेश्चन

शेयर करो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और हाँ घंटा जरूर दबा देना ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में